सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। करीना कपूर दूसरी बार मां बनने वाली है। उन्होंने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। प्रेगनेंसी अनाउंस करने के बाद वो काम पर भी लौट आई हैं। उन्होंने कुछ एड की शूटिंग भी की है। वहीं बात करीना के बेटे तैमूर अली खान की करें तो उसकी गिनती सबसे पॉपुलर स्टार किड्स में होती है। तैमूर की क्यूटनेस पर हर कोई फिदा है। हाल ही में करीना ने एक इंटरव्यू में उनकी प्रेगनेंसी पर बेटे के रिएक्शन को लेकर खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने तैमूर के करियर को लेकर भी काफी सारी बातें बताई हैं। बता दें कि करीना फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग मुंबई में शुरू करेंगी। बता दें कि एक इंटरव्यू में करीना ने कहा, तैमूर अपने भाई या बहन के आने के लिए तैयार है। बेटी की तारीफ करते हुए करीना ने कहा, वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। हमने कभी उसे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया, हम उसे एक बड़े शख्स की तरह ट्रीट करते हैं। वो समझदार है, इसलिए वो अपने भाई या बहन के लिए तैयार है। करीना ने आगे कहा, तैमूर के समय जब मैं प्रेग्नेंट थी तब सब मुझे बहुत खाने के लिए कहते थे और इसी वजह से मेरा 25 किलो वजन बढ़ गया था। मैं फिर से वही नहीं करना चाहती, मुझे बस हेल्दी खाना और फिट रहना है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पहली प्रेगनेंसी के दौरान सब कहते थे पराठा खाओ, घी खाओ, दूध पियो, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मैंने पहले ये सब किया हुआ है। मैं जानती हूँ मेरी बॉडी को किसकी ज़रूरत है। बता दें कि करीना इसके आगे ये भी कहती हैं कि मेरे डॉक्टर ने कहा है कि आप दो लोगों का खाना मत खाओ, बस अच्छा खाओ और अपना ध्यान रखो। करीना ने कहा कि उन्हें लगता है कि हर आदमी को वो सब मिलता है जिसके लायक वो होता है और उसकी किस्मत में लिखा होता है। अपने बेटे तैमूर के बारे में उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि तैमूर इस देश का सबसे बड़ा स्टार बनने वाला है, वो शायद देश का ऐसा बच्चा है जिसकी सबसे ज्यादा फोटोज ली गई हैं। चाहे इसका जो भी कारण हो मुझे नहीं पता। आगे वो कहती हैं कि मैं भी अपने बच्चों के लिए चाहती हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने, उसे अपनी जिंदगी में जो भी करना है वो करे। हो सकता है कि वो शेफ बनना चाहता हो या फिर पायलट या फिर जो भी करने की उसकी इच्छा हो। इसके बाद तैमूर के बारे में आगे बात करते हुए करीना ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तैमूर अपनी जिंदगी में खुश रहे। ये जरूरी नहीं कि उसके पेरेंट्स सफल है तो वो भी कामयाब हो, उसे अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। उसके पेरेंट्स इसमें किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं करने वाले। वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना को आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग शुरू करना है। रिपोर्ट्स के माने तो अभी करीना को 100 दिन की शूटिंग करनी है, लेकिन प्रेगनेंसी के चलते करीना के हिस्सों की शूटिंग करना मेकर्स के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। इसकी वजह यह है कि उनका बेबी बम्प अब दिखने लगा है। अब मेकर्स ने नया प्लान बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीना के बेबी बम को छुपाने के लिए मेकर्स कंप्यूटर ग्राफिक्स का सहारा लेने की सोच रहे हैं। ये फिल्म पहले इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी। खैर दोस्तों, आप इन सब पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now for all the latest and trending updates.